हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में स्पाइडरमैन की ड्राइंग करने वाला हूँ, और मैं सब लोगों को पहले ही बोलना चाहता हूँ, ये रेफरेंस पिंटरेस्ट ऐप से मैं डाउनलोड किया हूँ। तो जिसने भी इस आर्ट को किया है, फुल क्रेडिट्स टू हिम और हर। मैं जस्ट इस ड्राइंग को किस तरह से आप लोग भी कर सकते हो वही सीखने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आउटलाइन ड्रॉ करना सिखाऊंगा, और नेक्स्ट पार्ट में कलरिंग ट्यूटोरियल भी अपलोड कर दूंगा। और इस ड्राइंग को मैं ग्रिड मेथड से करने वाला हूँ, और रेफरेंस फोटो की लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नॉर्मल फोटो विद ग्रिड, मेरी ड्राइंग की फोटो, सब कुछ आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो पहले मैं ड्राइंग पेज के ऊपर ग्रिड्स बना लेता हूँ, उसके बाद मैं मेजरमेंट बोलता हूँ। और हाँ, इस ड्राइंग के लिए मैं A3 साइज की पेपर यूज़ कर रहा हूँ। जो भी A4 साइज में करना चाहता हूँ तो उन लोगों के लिए मैं बोल दूंगा, डोंट वरी। तो गाइज, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं ऑलरेडी ग्रिड्स बना लिया हूँ, अभी मैं मेजरमेंट बोलता हूँ। तो इस साइड टोटल 10 ग्रिड्स है, और एक एक ग्रिड की जो साइज है वो 3 सेमी करके, तो 3 × 10 यानी 30 सेमी। और ऊपर की तरफ टोटल 14 ग्रिड्स है, और एक एक ग्रिड की जो साइज है वो 3 सेमी करके ही है, तो 14 × 3 यानी 42 सेमी। तो इसी तरह से मैं ग्रिड्स बना लिया हूँ। बाकी जिसको भी ग्रिड्स बनाना नहीं आता है, तो उसके लिए मैं बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। एक वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग देखकर सीख लेना। और मैं इस ड्राइंग को वर्टिकली पोर्ट्रेट मोड में करूंगा, तो मैं पेज को घुमा लेता हूँ। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ऊपर में और साइड में 1, 2, 3, 4 करके नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे कि रेफरेंस फोटो में है। तो रेफरेंस फोटो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग देखकर भी बना सकते हो। और इस तरह से मार्किंग करने से कौन सी बॉक्स में कौन सी फीचर है वो फाइंड करने में आप लोगों को हेल्प होगी। तो आई होप ग्रिड्स के बारे में आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बाकी जिसको भी ड्राइंग पेज के ऊपर और रेफरेंस फोटो के ऊपर ग्रिड्स क्रिएट करना नहीं आता है, तो उन लोगों के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग देखकर सीख लेना। ओके, अभी मैं ड्राइंग को इस पॉइंट से मैं स्टार्ट करूंगा। तो ऊपर से आप लोग देख सकते हो 3 नंबर बॉक्स पे, और नीचे से 4th नंबर बॉक्स पे, और इसी चीज़ को हमें ड्राइंग पेज में भी फाइंड करना है। तो ऊपर से 1, 2, 3 और नीचे से 2, 3, 4, ऐसे ड्राइंग को स्टार्ट करना है। और ड्राइंग पेज की ग्रिड्स और रेफरेंस फोटो की ग्रिड एक ही साइज में इस तरह से रख के ड्रॉ करना। इस तरह से आप लोग बहुत ही इजीली रेफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके ड्रॉ कर पाओगे। तो बस इसी तरह से कौन सी बॉक्स में है, कौन सी फीचर है वो फाइंड करते जाना है और ड्रॉ करते जाना है। बाकी आई डोंट थिंक कि कुछ बताने को है, बस मैं अभी किस तरह से कर रहा हूँ वो फॉलो करते जाओ, और एक एक बॉक्स में किस तरह से ड्रॉइंग कर रहा हूँ वो देखना, कहाँ पर किस तरह से मैं हैंड मूव कर रहा हूँ वो अच्छे से फॉलो कर, देन आप लोग भी ट्राई करना, आप लोगों को परफेक्ट आउटलाइन रिजल्ट मिल जाएगी। तो मैं बैकग्राउंड में एक म्यूजिक प्ले कर देता हूँ, एंजॉय द वीडियो।